बढ़िया कविताएं ठाकुर साहब ने सुनाई और भाई राजेश ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने बहुत मान सम्मान किया। तो आइए अब यहां के राजन, आप इसको दुख बताते हो, ये दुख नहीं है। राजा अश्वपति थे, बड़े ही बलवान पराक्रमी। तुम अपने चारों भाइयों पर कड़ा पराक्रम रखते हो कि मेरा भाई भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन, अर्जुन के बाणों में वो ताकत है कि अकेला ही पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन राजा अश्वपति, तुम पांचों भाइयों से कई गुना ज्यादा बलवान थे। उनके यहाँ कमी थी तो किस बात की के कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान की इच्छा लेकर 18 वर्ष तक लगातार तप व्रत भजन किया। उनके 18 वर्ष के तप व्रत भजन से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी से कहती है कि भगवान, मृत लोक में राजा अश्वपति 18 वर्ष से लगातार तप कर रहे हैं। हे भगवान, मैं उन पर बड़ी प्रसन्न हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा अश्वपति को एक कन्या का वरदान देना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मुख से कहा कि हाँ देवी, जाइए, मेरी आज्ञा है, राजा को कन्या का वरदान देकर आइए। तो राजा अश्वपति अपनी यज्ञशाला में विद्वान ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक यज्ञ की ज्वाला से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रकट हुई और क्या कहती है, हाँ राजन, तो ये देवी आप कौन हो? मैं ब्रह्मा की शक्ति सावित्री। ओहो, मातेश्वरी के चरणों में राजा अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मेरे लिए क्या क्या है माता? मेरी बात सुनिए। सही है, घर सुनना